सब्जी मंडी धर्मशाला चरानखड को पासू स्थानांतरित किए जाने का धर्मशाला सब्जी मंडी के सदस्यों ने विरोध जताया है। सब्जी मंडी धर्मशाला के आढ़ती मनोज वालिया के मुताबिक आढ़ती एसोसिएशन धर्मशाला को तब तक स्थानांतरित न किया जाए जब तक पासू में कार्य पूर्ण ना हो जाए। धर्मशाला सब्जी मंडी में 14 आढ़ती कार्य कर रहे हैं जबकि पासू में अभी 8 दुकानें बनाई गई हैं। हालांकि एपीएमसी की ओर से 8 और दुकानें बनाने की बात कही गई है लेकिन अभी दुकानें नहीं बनी हैं। ऐसे में जब तक पूर्ण रूप से दुकानों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उन्हें पासू में स्थानांतरित ना किया जाए। उन्होंने कहा कि वहां पर पार्किंग की भी उचित व्यवस्था नहीं है, वहां पर चार दीवारी भी नहीं है जिस कारण बेसहारा पशु सब्जियों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने मांग की कि जब तक पासू में कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक इसका उद्घाटन ना किया जाए। इसके अतिरिक्त आढ़तियों का कहना था कि शौचालय की व्यवस्था भी सब्जी मंडी के निर्मित भवन के ऊपर की गई है जबकि शौचालय की व्यवस्था हर दुकान के हिसाब से की जानी चाहिए थी। आढ़तियों का कहना है कि यदि एपीएमसी ने दुकानों का पूर्ण निर्माण होने से पहले सब्जी मंडी को शिफ्ट किया तो आढ़ती हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे। विरोधी जी कि हम 14 आढ़ती हैं धर्मशाला सब्जी मंडी में, इनकी चरानखट में, और इधर दुकानें 8 बनी हैं और हम आढ़ती हैं 14, तो हम इधर आना नहीं चाहते। जब तक 14 दुकानें इधर पूरी नहीं बनेंगी हम यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। एपीएमसी की ओर से कोई आदेश भी आपको जारी किए गए हैं? नहीं, कोई आदेश नहीं जारी किए। किस तरह की कमियां आपको यहां पे नजर आ रही हैं? कमियां जी, पहले तो सबसे पहली कमी तो ये कि दुकानें 8 हैं और हम आरती 14 हैं। 14 कम से कम 14 आरती के लिए 14 दुकानें तो होनी चाहिए कम से कम, तभी हम शिफ्ट हो सकते हैं। ना तो इधर चार दीवारी या कोई जानवर आए हमारी सब्जी आएगी, सब्जी कोई कभी बच जाती है तो वो जानवर वगैरह खा जाएंगे, तो हमारे पास तो ना बंदे सुलाने के लिए जगह है ना बंदे, हमारे पास पल्लेदार भी होते हैं वो जो दिन रात इधर रहते हैं, तो उन्होंने सोना भी है, उस हिसाब से हमारी यहाँ ज़रूरत ही पूरी नहीं होती है। शौचालय आदि की व्यवस्था? शौचालय भी उन्होंने ऊपरी मंजिल पर बनाया, कोई आएगा तो हमारे पास किसान भी आएंगे, हमारे दुकानदार भी आएंगे, उन्होंने ऊपर नहीं जाना है। फिर इधर गंदगी का माहौल रहेगा, सब्जी मंडी में गंदगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो टॉयलेट भी नीचे होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि टॉयलेट नीचे, क्या हर एक आरती का अपने अपने वहाँ पर या हमें परमिशन दी जाए, हम अपने अपने पैसों से बनवा लें, यानी कि टॉयलेट अटैच बना आरती का हर दुकान के साथ टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि एपीएमसी हमें सफाई कर्मचारी नहीं देती है। अगर सफाई कर्मचारी देती है वो झाड़ू के लिए देती है, वो टॉयलेट वगैरह साफ़ नहीं करता है, तो उसके टॉयलेट के लिए हम अपने पैसे दे के उससे टॉयलेट वगैरह साफ़ करवाते हैं धर्मशाला में। आज दिन तक हम उसको पैसे दे रहे हैं, चाहे उसको एपीएमसी आधी तनख्वाह देता है आधे पैसे हम डालते हैं सभी आरती, तब जाके वो हमारे पास टिका हुआ है। यहाँ पर 14 दुकानें बनने से पहले अगर एपीएमसी यहाँ पर दबाव बनाता है कि शिफ्ट होने के लिए, तो क्या रणनीति रहने वाली है? हम जी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा। सीएम जयराम ठाकुर से कोई डिमांड रहेगी? हमारी मुख्यमंत्री जी यही आग्रह है कि हमें 8 दुकानें और बनाई जाएं, चाहे गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, 1 महीने में 8 दुकानें बनती हैं, किसी से उनको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 दुकानें सामने बनाओ, हम यानी कि वो काम लगा दें, 8 दुकानों का काम आज लगा दें, 15 यानी कि महीने में चाहे सेट ही डाल दो, 8 दुकानें सामने बना दो, हम शिफ्ट होने को तैयार हैं, बस ये चाहते हैं।